सो है गाइस, राहुल हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस यूट्यूब शॉर्ट्स जो अभी यूट्यूब का सबसे बड़ा मेन प्लेटफॉर्म हो गया है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स को आप लोग कैसे वायरल कर सकते हो। तो गाइस, यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करने का सबसे एक बढ़िया तरीका है वीडियो का ड्यूरेशन। तो गाइस, वीडियो का ड्यूरेशन कितना रखने पर यूट्यूब शॉर्ट्स जल्दी वायरल होता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो में दो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा जिससे आप लोगों का वीडियो वायरल हो सकता है यूट्यूब शॉर्ट्स पर। तो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल कर देना। तो इस चलते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो में आप लोगों को दो टिप्स बताऊँगा। एक टिप्स जो है, जो पहला टिप्स है, तो वो है न्यू यूट्यूबर्स के लिए। तो जिन लोगों को अभी तक अच्छे से वीडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं आया है, और जिन लोगों का अभी तक ऑडियो उतना अच्छा नहीं है, या आप लोग अच्छे से समझा नहीं पाते हो, तो आप लोग अभी न्यू सीख रहे हो, तो वो लोग क्या करोगे, जब आप लोग शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हो तब आप लोग ये कर सकते हो कि आप वीडियो का लेंथ 50 सेकंड्स तक आप रख रहे हो, तो वो आप लोग घटाकर 40 से 30 सेकंड तक लाना है, क्योंकि ऑडियंस आपका वीडियो अभी ज़्यादा नहीं देखेगी क्योंकि अभी आप न्यू हो। तो इसलिए आप लोग अपने वीडियो के लेंथ को थोड़ा कम करके रखना है। तो गाइस, आप लोग अगर अपने वीडियोस के लेंथ को कम रखते हो तो ऑडियंस आपके वीडियोस को पूरा एंड तक देखेगी, तो देखने के बाद आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही अच्छा जाएगा, तो इससे आपका वीडियो वायरल होगा, आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो और गाइस, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना है, मतलब ये नहीं कि आप लोग 30 सेकंड का वीडियो को 10 सेकंड में बना दिया या 20 सेकंड में बना दिया, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, तो ऑडियंस रिटेंशन और भी घट जाएगा, तो आपका वीडियो एकदम बेकार हो जाएगा। शॉर्ट्स वायरल तो दूर की बात, आपका वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। और सेकेंड जो टिप है वो है ओल्ड यूट्यूबर्स, मतलब जो पहले से यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो, उनका वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छा है, कॉन्टेंट अच्छा है, आप ऑडियंस को अच्छा एंटरटेन कर सकते हो, तो वो लोग ये कर सकते हो, अपने वीडियो के ड्यूरेशन को लॉन्ग कर सकते हो, मतलब 55 सेकंड तक आप लोग लॉन्ग कर सकते हो अपने शॉर्ट्स को, तो आपका ऑडियंस रिटेंशन और भी अच्छा जाएगा और लोग आपके वीडियोस को और भी ज़्यादा देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पर ये आप लोगों को तभी करना है जब आप लोग अपने ऑडियंस को अच्छे तरह से एंटरटेन कर सकते हो, अपने वीडियो के कंटेंट को और भी अच्छा बना सकते हो, तभी ये आप लोगों को करना है। और गाइस, ये करने के बाद आप लोगों का अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं मिल रहा है और आपका ऑडियंस एंटरटेन नहीं हो रहा आप लोगों से, तो आप लोगों को तब जाके शॉर्ट्स अपलोड करना है, मतलब शॉर्ट्स वीडियो को और भी छोटा करके अपलोड, मतलब 45 से 40 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपलोड करना है। तो गाइस, आप लोग अगर अपने ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाओगे तो उतने टाइम तक आपके वीडियोस को कोई वॉच नहीं करेगा, तो सिंपली से आप लोग अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है, तभी जाके आपके ऑडियंस आपके वीडियोस को उतना देर तक देखेंगे। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग अपने शॉर्ट वीडियोस को कैसे वायरल कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल कर देना। तो गाइस, मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।